दर्दनाक और दुर्घट जो घटना घटी है जिसमें सरस्वती बाल विद्या मंदिर कॉलेज की धारावी की छात्रा प्रिया मौर्य की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, ऐसा भी प्रतीत होता है कि विद्यालय स्टाफ ने ही उसको छत से फेंका जिससे उसकी मौत हुई, क्योंकि जिस ड्राइवर ने इस बेटी के साथ बस रुकी और छेड़खानी की तत्संबंधित सूचना प्रिंसिपल को दी गई। प्रिंसिपल ने ड्राइवर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बजाय इस लड़की को ही धूप में बाहर खड़ा किया, उसके बाद उसकी पिटाई की और स्वाभाविक रूप से जब पीड़िता के साथ न्याय देने वाला भी अन्याय करने पर उतारू हो गया तो क्षुब्ध होकर के वो भी जान दे सकती है। और ये भी हो सकता है कि विद्यालय प्रशासन जब इस निचले पायदान तक गिर सकता है कि ड्राइवर और प्रिंसिपल मिलकर के इस मामले को गंभीरता से न लेकर के एक इसको बहुत हल्के में लिया, उनको ये बुरा लगा कि एक पिछड़े समाज की लड़की मुझसे शिकायत कैसे कर दी, उसकी शिकायत करने की हिम्मत कैसे पड़ गई। इस बदले की भावना से उसे छत से फेंकवाने का भी घृणित कार्य कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में हर विद्यालय में ज्यादातर कैमरे लगे होते हैं। अगर छत से कूदी तो कैमरे में कहीं ना कहीं वो दृश्य आना चाहिए। जो कैमरे से उपलब्ध कराया जा रहा है वो बीच में गिरते हुए और जमीन पर आते हुए देखा जाता है, लेकिन छत से कूदी या छत से फेंकी गई इसकी कोई तस्वीर नहीं आ रही। इसमें प्रधानाचार्य की मिलीभगत है और सारी गलतियां प्रिंसिपल की ही है। अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। 5 से 6 दिनों के अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये और भी दुखद है, आज पूरे प्रदेश में जंगल राज है, गुंडे माफिया अपराधी अराजक तत्व बेखौफ होकर के दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी बाबा केवल भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन कानून नाम की कोई चीज रही नहीं गई। और आज पुलिस प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन देश को तबाह करने पर लगा हुआ है, प्रदेश को तबाह करने पर लगा हुआ है, लूटने पर लगा हुआ है। हमें यहाँ ये भी जानकारी मिली कि इस प्रिया की मौत पर जब क्षेत्रवासी मिलकर के शोक संवेदना में कैंडल मार्च निकाल रहे थे तो खागा का कोतवाल लाठी चार्ज भी कराया और कई लोगों को नामजद करते हुए अज्ञात में सैकड़ों लोगों को परेशान भी करना शुरू किया है, जाके धमकी दे रहा है जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके, अरे तो मौर्या की लड़की मरी है तुम क्यों गए थे। मुस्लिम समाज का कोई आदमी आया उसके घर पहुंच करके धमकी दे रहा है, यादव समाज का कोई आदमी आया उसके घर धमकी दे रहा है, कोई दिवाकर समाज का आया उसके घर धमकी दे रहा है, कोई प्रजापति समाज का आया उसके घर धमकी दे रहा है। आखिर ऐसा कोतवाल जो कानून का रक्षक है वो खुद कानून का बच्चक बन गया है, और स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही घृणित कार्य है कि इसमें न्याय दिलाने के बजाय यहाँ का कोतवाल अपराधियों को बचाने में लगा है, यहाँ का पुलिस अधीक्षक अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। चूंकि अपराध करने वाले दोनों
ठाकुर बिरादरी के हैं, इसलिए ये अपने को योगी समझते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जात बात का नंगा नाच बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये जात बात का नंगा नाच करने वाले लोगों को सबक इस प्रदेश और देश की जनता सिखाएगी, और साथ ही साथ जो इनका पाप है वो पाप का घड़ा भर गया है, आने वाले समय में इनके पाप का घड़ा फांडा फूटेगा। लखनऊ में डिलीवरी बॉय की हत्या हुई, ये नित्य प्रति ऐसा हो रहा है। कहीं कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही है, कहीं छेड़खानी की घटना हो रही है, कहीं लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो रही है, कहीं पर आज पुलिस वाले ही लखीमपुर में एक दलित छात्र को, दलित नौजवान को पीट पीट के थाने में मुआ दिया। और इस प्रकार से रोज कोई न कोई घटना घटित हो रही है, और उसके शिकार सबसे ज्यादा या तो दलित हो रहे हैं, पिछड़े हो रहे हैं, या मुसलमान हो रहे हैं। इन तीन समाज के लोगों की बड़े पैमाने पर इन पर कहर टूट रहा है, और अपराधी ज्यादातर मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। और आज जितने भी मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं वो अपने को सब मुख्यमंत्री समझते हैं, और यही कारण है कि बेहिचक बेअंदाज होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और मुख्यमंत्री गूंगे बहरे अंधे बनकर के तमाशा देख रहे हैं। देखिए, चूंकि होता ये है कि मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा शासन प्रशासन बाबाही लूटने के लिए हर काम जल्दी जल्दी करता है, वो ये नहीं देखता कि सही मायने में दोषी कौन है। अगर वो झूठ करके भी किसी ने कह दिया, किसी दलित समाज के नौजवान पर आरोप लगा दिया, किसी पिछड़े समाज पे आरोप लगा दिया, किसी मुस्लिम समाज पे झूठे भी आरोप लगा दिया, तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी, तब जांच होगी। जबकि होना ये चाहिए ऐसे मामलों में तत्काल त्वरित प्रभाव से जांच की कार्रवाई हो करके अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, और अपराधी का मानक अपराध होता है, इसलिए अपराध के बिना पर अपराधी को सजा दिलाना चाहिए। एक बयान है रणदीप सुरजेवाला का, उन्होंने कहा कि योगी का राजनीतिक करियर पूरा ब्राह्मणों की हत्या, उनकी राजनीतिक हत्या करने के बाद जो बड़ा है राजनीतिक हत्या करने के बाद। अब बहरहाल सुरजेवाला जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ना मैं मौके मौजूद था, ना मैंने मुझे जानकारी है। हाँ, इतना जरूर है कि आज योगी के शासन में पूरा प्रदेश गुंडा राज की भेंट चढ़ गया है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, गुंडे माफिया अपराधी अराजक तत्व कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज कानून गूंगा अंधा बन करके केवल लोगों के लिए तमाशा का विषय बन गया है। विशेष रूप से यदि प्रदेश में मुख्यमंत्री की बिरादरी का कोई व्यक्ति कितना भी गंभीर अपराध क्यों न किया हो, उसके साथ खून माफ। आज बड़े पैमाने पर जाति और वर्ग के भेद पर ये सरकार काम कर रही है, दलित पिछड़े मुसलमान इनके निशाने पर वोट देने के लिए दलित भी हिंदू पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो भाजपा के लोग दलित और पिछड़ों तथा मुसलमानों को दुश्मन नंबर एक मानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार के इस घृणित रवैये की मैं घोर निंदा करता हूँ। जिस मामले पे आप आए हैं इसमें स्टेप अगला क्या होगा आपका? मैं इस पर SP से बात किया हूँ, ADG से भी बात करने का प्रयास किया, भी बात नहीं हो पाई। इसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर पुलिस प्रशासन हिलाहवाली करता है, अपराधियों को बचाने की कोशिश करता है, तो आगे
यदि कोई बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी फिर सर्जरी पे आऊंगा। अपराधी अपने को क्लीन चिट दे रहा है, अपराधी कभी भी नहीं स्वीकार करता कि हम अपराधी हैं, तो अपराधी के इस प्रकार के एफिडेविट देने का औचित्य क्या है? अपराधी अपने अपराध को कभी कबूला है क्या? और सरासर हमने लड़की के पिता की तरफ से प्रधानाचार्य को दिया गया प्रार्थना पत्र भी देखा। अगर प्रधानाचार्य ड्राइवर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दिए होते तो शायद इस लड़की की जान नहीं जाती। हमें तो ये भी संदेह हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रिंसिपल की साजिश से ही उस लड़की को स्कूल के छत से फेंकवाया गया हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो तीसरी दूसरी और पहली मंजिल पर लगे हैं उन सब का ब्यौरा विद्यालय प्रशासन नहीं दे रहा है। और विद्यालय प्रशासन सीसीटीवी फुटेज का ब्यौरा नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं दाल में काला है। थैंक यू सर।